नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि मशीन में सुई कैसे लगाते हैं। बहुत लोगों को तो शायद पता होगा कि सुई कैसे लगाते हैं, जो प्रोफेशनली काम करते हैं उन्हें आसानी से पता है, और ज़्यादातर जो घरेलू औरतें हैं या कभी कभार स्टिच करती हैं उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता कि उल्टी सुई लगाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और सही सुई जो नीडल होती है किस तरह से लगाते हैं। तो इसी के बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि आप छोटी मशीन में, बड़ी मशीन में आप एक सुई किस तरह से लगा सकते हैं और अपनी स्टिच जो है सिलाई सही तरीके से रख सकते हैं, ताकि आपके धागे वगैरह तोड़ने की प्रॉब्लम ना आए। एक उल्टी सुई लगने पर बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं, तो उसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बता दूँ सुई किस तरह से होती है। ये देखिए मेरी एक गोल्ड नीडल है, ये जो अम्ब्रेला मशीन, जुकी मशीन, इन सभी मशीन में ये सुई अपनी लगती है। एक छोटी मशीन होती है जो हाथ से चलाने वाली होती है, उसमें क्या है कि आपकी जो ये एक साइड चपटी होती है, तो इन्हें लगाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इन्हें लगाने का तरीका मैं बता दूँ आपको। जो ये मशीन की एक तरफ तो ये है इसमें प्लेन हिस्सा, और एक तरफ इसमें धार बनी हुई है, नाली सी बनी हुई है ये इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा तो आपको जो है बाहर की तरफ हमेशा रखना होगा इस तरह से। ये जो धार बनी हुई है इसकी मशीन की, इस नीडल की जो धार बनी हुई है एक तरफ से, तो ये तो इस साइड में रखना पड़ेगा मशीन के इस साइड में। और जो एक तरफ ये चिपटा वाला हिस्सा है, ये गौर से देखें आप, ये जो हिस्सा है ये हमेशा मशीन के अंदर की साइड में, इस साइड में ही रखें, तो आप लगाएंगे तो आपकी जो सिलाई भी सही रहेगी, धागा भी नहीं टूटेगा और आपकी सुई भी नहीं टूटेगी। ज़्यादातर क्या है कि जो एक तरफ चिपटी चपकी हुई आती है तो उसमें भी यही आती है प्रॉब्लम कि लेडीज़ क्या होती हैं कि उसको जैसे लगी वैसे ही लगा दिया और फिर बोलती हैं कि मशीन टेप छोड़ती है, धागा तोड़ती है। तो यही कारण है कि सुई सही तरीके से न लगाने का। तो सुई सही तरीके से लगाने का तरीका यही है, ये प्लेन हिस्सा है जो अंदर की साइड में लगाएँ और ये धारी बनी हुई है बाहर की साइड में लगाएँ। तो इसे लगा के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको खोलते हैं, ज़रा सा लूज़ किया और इसमें लगा देते हैं यहाँ पर, और ये धारी बनी हुई है। इसको इस तरह से महसूस करके देखिए कि धारी मेरी बाहर की साइड है और ये प्लेन हिस्सा अंदर की साइड है, और इसे अच्छे से कस दें इस तरह से। तो यही एक तरीका, बेस्ट तरीका है। चिपटा वाला छोटी मशीन में आता है, जो चिपटा वाला हिस्सा इस तरफ रखेंगे और गोल हिस्सा इस तरफ रखेंगे तो आपकी जो सुई है बिल्कुल परफेक्टली लगेगी। और नीचे भी ना रखें, ऊपर इसके अड़ाकर सुई लगाएं बिल्कुल परफेक्टली, तो क्या है कि आपका जो नीडल है अच्छे से लगेगी और धागा वगैरह नहीं तोड़ेगी। तो ये धागा भी डाल के दिखा देता हूँ और चला के भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए धागा डल गया इसमें आसानी से, और चलेगी भी फर्स्ट क्लास और धागा भी नहीं काटेगी। ऐसे ही करके आप बड़ी मशीन, जो जुकी मशीन होती है, उसमें भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये धागा बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से ये छोटी अम्ब्रेला मशीन या बड़ी जुकी मशीन और छोटी मशीन में चपटाई से आगे विशेष ध्यान रखें, जो धारी है उसी चीज़ पे विशेष ध्यान करने वाली बात है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। कभी कभार क्या है कि लेडीज़ बहुत सी ऐसी आती हैं जो सुई उल्टी लगा कर लेके आती हैं मशीन को कि भैया हमारी मशीन को थोड़ा सा देख देना। तो वही उसी चीज़ का आप मैकेनिक के पास जाओगे तो 100 रुपये 150 रुपये वो आपसे ले लेगा, और एक छोटी सी कमी होती है कि सुई लगाने का तरीका। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आने वाला हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।